अस्सलामु अलैकुम सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आफरीन शाफ गैलेक्सी में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए एक लार्ज साइज के आम को मैंने टुकड़ों में चॉप्ड करके रख लिया है। मैंगो शेक को टेस्टी बनाने के लिए 2.5 कप चिल्ड किया हुआ दूध, 13 टेबलस्पून चीनी, चिप्स की जगह बर्फ के टुकड़े मैंने लिए हैं, या आधा कप बोल से थोड़ा ज़्यादा है। आपको जिस हिसाब से मैंगो शेक को चिल्ड रखना है उस हिसाब से आप आइस क्यूब्स या फिर बर्फ के टुकड़े ले लीजिएगा। मैंगो फ्लेवर्ड की मिल्क की हुई आइसक्रीम मैंने ली है, इससे जो मैंगो शेक का फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही यम्मी हो जाता है। गार्निशिंग के लिए काजू, पिस्ता, बादाम और चेरी मैंने 1 टेबलस्पून लिया, जिसे टुकड़ों में मैंने 20 से चॉप्ड कर लिया है। शेक बनाने के लिए चॉप्ड किए हुए आम के पीसेस जार में ऐड करने के बाद मिठास के लिए चीनी ऐड करी है। अब जो मैंने ठंडा ठंडा दूध लिया हुआ है वो मैं ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड कर देने के बाद इसे एक्स्ट्रा डिलीशियस बनाने के लिए मैंगो बार की जो मेल्ट की हुई आइसक्रीम मैंने ली थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अब मैंगो शेक तैयार करना है तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो शेक मैंने तैयार कर लिया है, तैयार हो चुका है। उसे सर्व करने के लिए मैंने ग्लास में आइस के बचे हुए टुकड़े ऐड किए हैं। ये टुकड़े मैंने पहले ही बचा लिए थे। आइस के एक्स्ट्रा टुकड़े ऐड करने के बाद ग्लासेस को मैंने शेक से फिल कर दिया है। जब भी मैं मैंगो शेक बनाती हूँ आम के चॉप किए हुए कुछ पीसेस में बचा लेती हूँ शेक के ऊपर से ऐड करने के लिए, क्योंकि मुझे इसे बाद में चम्मच से खाने में अच्छा लगता है शेक के साथ, तो मैंने पीसेस में ऐड किए हैं। तीनों ग्लासेस को ट्रे पे रख दिया और मैंने इन पे हार्ट शेप लगाया है। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए उनसे मैं बारी बारी करके ग्लासेस में डाल रही हूँ। लास्ट में बस चेरी ऐड करना रह गया था तो वो भी मैंने ऐड कर दी। आप देखें ये कितने अच्छे और डिलीशियस यम यम से लग रहे हैं। आप इस तरीके से मेहमानों के सामने मैंगो शेक लेके जाएंगे ना तो ज़रूर पियेंगे, और ये इतना डिलीशियस बनता है कि वो आपकी तारीफ ही करेंगे। मैंने तो मैंगो शेक मेहमानों को सर्व करने के लिए तैयार कर लिया है। अब आपकी बारी, आप मेरे इस अंदाज़ में मैंगो शेक बनाएं और गर्मी के इस मौसम में इसका मज़ा लें। अल्लाह हाफ़िज़।